जहाँ पहिया है। परिचय। प्रस्तुत कहानी जहाँ पहिया है हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके लेखक पी साईनाथ हैं। बच्चों, साइकिल तो आप सबने देखी ही होगी। आओ इस पाठ के जरिए साइकिल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं। ये तमिलनाडु से जुड़ी है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में भी जा पाती हैं। और अंतिम बात ये कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या फिर बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वो अब अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टे पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वो जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं।
ग्रामीण पुड्डुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि में आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पप्पियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण ये है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लगी है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने भी इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचीप गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का पक्का कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा